तो चलिए गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत गाइस। और आज है हमारे पास Vivo Y35। इसके बारे में सब कुछ बताने वाले, इसका पूरा रिव्यू करने वाला है। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, क्या मेरा एक्सपीरियंस है इस फोन को, मतलब कि रिव्यू करने के बाद एंड इसको टेस्ट करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स आपको इस फोन में मिलते हैं एंड क्या खराब फीचर्स हैं, क्या अच्छे फीचर्स हैं, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए गाइस, बात करते हैं फोन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डिजाइन वगैरह की बात कर लेते हैं, बिकॉज सबसे पहले हम हर वीडियो में डिजाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डिजाइन की, तो आपको अच्छा डिजाइन ऑप्शन देखने मिलता है। बैक साइड से बात करें, इसके लुक्स की बात करें, तो आपको अच्छा डिजाइन देखने मिलता है। यहाँ पे कैमरा डिजाइन आपको अच्छा देखने मिलता है, दो बड़े कैमरा आपको देखने मिलते हैं। एंड आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल आल कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड आपको अच्छा सा आपको एक बैक देखने को मिल जाता है। मतलब कि आपको अगर हम बात करें डिजाइन एंड लुक की, वो चीज आपको यहाँ पे अच्छी देखने मिल जाए। सो गाइस, बात कर लेते हैं इसके फिजिकल व्यू की। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में बात करें, तो आपको ऊपर वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर हम लेफ्ट साइड की, तो आपको पूरा प्लेन साइड देखने को मिलेगा, जो कि इसके डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है। बात करते हैं अगर हम नीचे साइड की, तो आपको यहाँ पे 3.5mm जैक देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। 3.5mm जैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दूसरी चीज, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन सेंसर देखने मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड आपको यहीं पे स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक स्पीकर ग्रिल ऑप्शन देखने मिलता है, मतलब कि आपको वॉइस अच्छी मिल जाएगी बट आपको एक स्पीकर ग्रिल का ही ऑप्शन देखने मिलता है। ऊपर साइड की बात करें, तो आपको यहाँ पे ऊपर साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा, जो कि वो भी अच्छी चीज़ है। तो आपको मतलब कि बात करते हैं फिजिकल व्यू की, तो आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है एंड मेन चीज़ 3.5mm जैक देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके आगे डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.58 inches का आपको IPS LCD स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर हम इसकी रेजोल्यूशन वगैरह की, 1080x2400 pixels का आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह देखने मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी देखने मिलती है। 550 nits का पीक ब्राइटनेस देखने मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, बिकॉज 2000 nits ब्राइटनेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपको 550 nits का पीक ब्राइटनेस देखने मिलता है, जो कि अगर आप धूप वगैरह में चलाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो अगर हम ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें, तो अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। बात करते हैं अगर हम इस फोन के इन हैंड फील वगैरह की, तो आपको अच्छी ग्रिप देखने मिल जाती है हाथ में पकड़ते वगैरह, तो आपको गिरेगी नहीं, अच्छी इन हैंड फील आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर से देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर चलते हैं, तो 5000mAh का आपको बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो आपको यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 आपको यहाँ पे 4G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे अच्छा प्रोसेसर होता है। बट हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं, तो हीट वगैरह प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गेमिंग से लिए फोन नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस मैंने सब कुछ बता दिया। बात करते हैं इसके मेन चीज़ कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो पीछे साइड की अगर हम कैमरा की बात करें, तो आपको 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने मिल जाता है, फिर उसके बाद 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ वगैरह देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बट हम मेन कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो अभी आप फोटोज़ वगैरह जो देख रहे हैं वो इसी कैमरा की है, तो आप चेक कर सकते हैं कैसी फोटोज़ आती है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, तो बहुत ही बेकार कैमरा मैं कहूँगा, बिकॉज इससे कोई भी अच्छी फोटोज़ मैंने नहीं क्लिक कर पाई है। बिकॉज मैंने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करने की कोशिश की, बहुत ही एंगल्स, बहुत ही अलग अलग शॉट्स लिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग ऑप्शंस यूज़ किए, बट इतनी बेहतरीन फोटोज़ नहीं आती, इतना ज़्यादा क्लियरिटी फोटोज़ नहीं आती है। वीडियोज़ वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल सकती है, बट बहुत ही अच्छी वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बिकॉज मैंने इसको वीडियो मोड भी वगैरह चेक किया, तो बहुत ही जो सॉफ्ट वगैरह मतलब कि लाइट बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जो रियल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में नहीं देखने मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ें नहीं। तो आपको एक अच्छा कैमरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वगैरह हैं, आप अगर नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हो, आप थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करना चाहते हो, तो तब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। बट आपको अच्छी फोटोग्राफी वगैरह करनी है, तो मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया है, तो इतना ज़्यादा अच्छा कैमरा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, जो कि आपको मेरे हिसाब से अच्छा कैमरा देखने मिलता है 16 मेगापिक्सल का, तो आपको सेल्फी कैमरा अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप सेल्फी कैमरा के यूजर्स हैं, सेल्फी कैमरा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, अच्छी खासी सेल्फी आप ले सकते हैं। बट आपको पीछे का कैमरा, जो बैक साइड कैमरा होता है, प्राइमरी कैमरा, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होता होगा। तो उसका जो अगर हम बात करो, 50 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे दिया गया है, पर मेगापिक्सल्स के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी जो है इतनी
इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई थिंक मैं रिकमेंड इसके कैमरा के लिए आपको इस फ़ोन को नहीं करूँगा, और सारे फीचर्स जो हैं अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा चीज़ इस फ़ोन का था, मैंने सब कुछ बता दिया जो में था मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी वगैरह की, मल्टी मीडिया यूजर्स हैं तो आपके लिए अच्छा फ़ोन हो सकता है, बिकॉज अच्छा बड़ा स्क्रीन देखने मिलता है, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो मल्टी मीडिया कंजप्शन आपको अच्छा देखने मिल रहा है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं इसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह की, लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे अच्छी देखने मिलती है, कलर्स वगैरह आपको यहाँ पे वीडियोस में अच्छे देखने को मिल जाएंगे, सारे कलर्स वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इस प्राइस में आई थिंक अच्छे फ़ोन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसके कंपैरिजन में और भी अच्छे फ़ोन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्या क्या फीचर्स था, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ नहीं अच्छी थी, आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारी बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहते हैं। चले गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।